चलो दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो आप देख सकते हो स्पॉटिफाई इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला हुआ था जिस पे लिखा हुआ था बस्ती का हस्ती बाय एमसी स्टैन वाज स्ट्रीम्ड 44 मिलियन प्लस टाइम्स दिस ईयर। साथ ही अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है विजय डीके की तरफ से। तो आपको पता होगा कि विजय डीके की अभी एक एल्बम आई हुई है, तो उसी से रिलेटेड आप देख सकते हो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में उनके आर्टिकल आए हुए हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है एमईवी की तरफ से। तो एमईवी ने आज अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में कुछ मैसेज डाले हुए थे, आप देख सकते हो। एक में उन्होंने लिखा हुआ था क्या चालू है कंपनी, और एक था कुछ खबर दूं। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई भी खबर नहीं दी हुई है, जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है बादशाह की तरफ से। तो बादशाह का कोलैब ट्रैक आने वाला है अमित उचाना के साथ में। आप देख सकते हो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला हुआ था जिसके कैप्शन उन्होंने लिखा हुआ था छोरे करनाल के निकले शिखर पे 11-12। तो हमको 11 तारीख को देखने के लिए मिलने वाला है। अगली जो न्यूज है वो आ रही है योयानी सिंह पाजी की तरफ से। तो आप देख सकते हो दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल जिसमें की लिखा हुआ था पंजाबी सिंगर व रैपर हनी सिंह को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। नवांशहर में हनी सिंह पर मैं हूँ बलात्कारी सॉन्ग को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द की जाएगी। पंजाब पुलिस ने इसके लिए कैंसिलेशन रिपोर्ट भी तैयार कर ली है जिसे जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। हनी सिंह ने एफआईआर को रद्द करवाने के लिए पंजाब हरियाणा व हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अगली जो न्यूज है वो आ रही है दीप खालसे की तरफ से। तो दीप खालसे की जो टनल विजन एल्बम है वो फुल एल्बम हमको आज रात 12 बजे सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे सुनने के लिए मिल जाएगी। और इस एल्बम में सबसे ज्यादा जिस सॉन्ग की हाइप अभी बनी हुई है वो है नो मेर्सी रफ्तार एक्स कृष्णा एक्स और पता नहीं कौन सा आर्टिस्ट है। अगली जो न्यूज है वो आ रही है असल शून्य 3 की तरफ से। तो इसके जो कंटेस्टेंट थे लेखक जो कि अभी बाहर हो चुके हैं, तो उनका अभी एक इंटरव्यू आया हुआ है जिसमें कि उन्होंने बात की हुई थी। जो लोग असल को इंडियन आइडल से कंपेयर कर रहे थे उसका उन्होंने रिप्लाई किया हुआ है, आप खुद देख सकते हो क्लिप। रैप शो है, गाना गा रहे हैं सब लोग। देखो मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगा मेरे मीडियम से कि अगर जो भी लोग ये देख रहे हैं, आई थिंक इट्स टू सून टू जज एवरीबॉडी बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये रैप शो ही है। सबको रैप करना आता है तभी वो रैप शो पे आए हैं। अब वो आर्टिस्ट के ऊपर है कि वो आपको अपनी कौन सी साइड पहले दिखाना चाहता है। देयर इज गॉश ओदे है वहां पे, रैप आईडी है जो थ्रू आउट रैप कर रहे हैं पहले एपिसोड से। अगर दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं तो उसका रीजन है वो लोग भी करेंगे। बाकी इस फुल इंटरव्यू की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही जो मुक्ता के हैं वो एक मराठी रियलिटी शो कर रही हैं, साथ ही उनका आज एक गाना भी रिलीज हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही जो लिल गोलू हैं उनका भी एक कोलैब ट्रैक आ रहा है जो कि हमको बहुत जल्द उनके यूट्यूब चैनल से देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।